नमस्कार मित्रों, आज ना आ वीडियो में आपणे जोईशुं गुजराती साहित्य जनरल नॉलेज ना क्वेश्चन्स एंड आंसर भाग बी। सौप्रथम नर्मदजीनी वात करीए तो नर्मदजी अर्वाचीन गुजराती साहित्यमां गुजरातनुं गौरव तरीके जाणीता छे। तो मित्रों तमारे अहीं याद राखवानुं छे के अर्वाचीन गुजराती साहित्यमां गुजरातनुं गौरव तरीके नर्मदजी जाणीता छे। अर्वाचीननो आद्य तरीके नर्मदजी गणाय छे। तो नर्मद ए अर्वाचीननो आद्य तरीके गणाय छे। गुजराती साहित्यमां प्राणवंतो पूर्वज तरीके नर्मद ओळखाय छे। तो मित्रों अहीं याद राखजो गुजराती साहित्यना प्राणवंतो पूर्वज एटले नर्मद। त्यार पछी वात करीए तो गुजराती साहित्यना साहित्यकारे नर्मद ने प्राणवंत पूर्वज कह्यो ते हता कन्हैयालाल मुंशी। तो मित्रों कन्हैयालाल मुंशीए गुजराती साहित्यना नर्मद जी ने प्राणवंतो पूर्वज कह्या हता। त्यार पछी जन्मनी वात करीए तो नर्मद नो जन्म 24/8/1833 मां थयो हतो। 24/8/1833 मां नर्मद नो जन्म थयो हतो अने नर्मद नो जन्म स्थल छे सूरत। तो मित्रों अहीं याद राखजो के सूरत एक कवि नर्मद नो जन्म स्थल छे। त्यार पछी नी वात करीए तो नर्मद ना मान मां सूरत मां साहित्य संस्था नी स्थापना थई ते नर्मद साहित्य सभा। तो नर्मद साहित्य सभा ए नर्मद ना मान मां सूरत मां संस्था स्थापाई हती। त्यार पछी नर्मद ने विविध कृतियो जोईए तो नर्म कविता, नर्म गद्य, पिंगण प्रवेश, अलंकार प्रवेश, नर्मकोश, मारी हकीकत, राज्य रंग, कृष्ण कुमारी, श्री द्रौपदी दर्शन, सीताहरण, श्री सारसा कुंतल, कवि अने कविता, कवि चरित्र, सजीवारोपण, आ बधी विविध कृतियो नर्मदनी छे। त्यार पछी गोवर्धन राम त्रिपाठी नी वात करीए तो गुजराती साहित्यमां सर्जायेल महानवल सरस्वती चंद्र ए चार भागमां छे। तो मित्रों अहीं तमारे याद राखवानुं छे के गुजराती साहित्यमां सर्जायेल महानवल सरस्वती चंद्र ए चार भागमां छे। त्यार पछी सरस्वती चंद्रनी नायिका ए कुमुद सुंदरीए करी हती। त्यार पछी गोवर्धन रामना जन्मनी वात करीए तो 20/10/1855 मां तेमनो जन्म थयो हतो अने तेमनो जन्म नडियादमां थयो हतो। गोवर्धन रामनी विविध कृतिओ जोईए तो सरस्वती चंद्र भाग 1-4, स्नेह मुद्रा, साक्षर जीवन, कवि दयारामनो अक्षरदेह, स्क्रैपबुक, लीलावती जीवन कला, तो आ बधी कृतिओ गोवर्धन रामनी छे। त्यार पछी मणिलाल नभूभाई त्रिवेदीनी वात करीए तो गुजराती साहित्यमां अभेद मार्गना प्रवासी तरीके मणिलाल नभूभाई त्रिवेदी जाणीता छे। तो मित्रों अहीं याद राखजो मणिलाल नभूभाई त्रिवेदी ए गुजराती साहित्यमां अभेद मार्गना प्रवासी तरीके जाणीता छे। त्यार पछी मणिलाल नभूभाईनो जन्मनी वात करीए तो 26/9/1858 मां तेमनो जन्म थयो हतो अने तेमनो जन्म नडियादमां थयो हतो। तेमनी कृतिओ जेवी के कांता, नृसिंहावतार नाटको, गुलाबसिंह, सुदर्शन गद्यावली, प्राण विनिमय, नारी प्रतिष्ठा, गुजरातना ब्राह्मणो, सिद्धांत सार जे निबंध छे, मालती माधव, उत्तम रामचरित, प्रेम जीवन, शिक्षा शतक जे कविता छे, तो आ बधी कृतिओ मणिलाल नभूभाई त्रिवेदीनी छे। त्यार पछी नरसिंहराव दिवेटियानी वात करीए तो अर्वाचीन गुजराती साहित्यमां अंग्रेजी ढबनी कविताओ रचवानी शरूआत वास्तविक रीते नरसिंहराव दिवेटियाए करी हती। नरसिंहराव दिवेटियानो जन्म 3/9/1859 मां थयो हतो। नरसिंहराव ए प्रसिद्ध साहित्यकार भोळानाथ दिवेटियानो पुत्र हतो। तो मित्रों अहीं तमारे याद राखवानुं छे के प्रसिद्ध साहित्यकार भोळानाथ दिवेटियानो पुत्र ए नरसिंहराव हता। त्यार पछी एमना जन्मनी वात करीए तो तेमनो जन्म अमदावाद खाते थयो हतो। नरसिंहरावनी कृतिओ जेवी के कुसुममाळा, हृदयवीणा, नुपुर झंकार, स्मरण संहिता, मनोमुकर भाग 1-4, स्मरण मुकुर, नरसिंहरावनी रोजनीसी, गुजराती लैंग्वेज अने लिटरेचर भाग 1-2, विविर्त लीला, तरंग लीला जे निबंध छे, तो आ बधी कृतिओ नरसिंहरावनी छे। त्यार पछीनी वात करीए तो मणिशंकर रत्नजी भट्ट जेने कांत तरीके पण आपणे ओळखीए छे। गुजराती साहित्यमां खंड काव्योनो सर्जक तरीके मणिशंकर रत्नजी भट्ट ओळखीता छे। कवि कांतनो जन्म 20/11/1867 मां थयो हतो। कवि कांत ए चावंड जे अमरेलीमां आवेलुं छे त्यांना वतनी हता। तेमने विविध कृतिओ जेवी के पूर्वालाप, रोमन स्वराज्य, गुरु गोविंदसिंह, दुखी संसार जे नाटको छे, शिक्षणनो इतिहास, संवादमाला,
સિદ્ધાંત સારનું અવલોકન, હીરા માણેકની મોટી એક ખાણ, કુમાર અને ગૌરી જે વાર્તાઓ છે, તો આ બધી કૃતિઓ કવિ કાંતની છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો રમણભાઈ નીલકંઠ. ગુજરાતી સાહિત્યમાં એકમાત્ર હાસ્ય નવલકથા ભંદ્રભદ્રના સર્જક તરીકે રમણભાઈ નીલકંઠ જાણીતા છે. રમણભાઈ નીલકંઠનો જન્મ 13/3/1868માં થયો હતો. રમણભાઈ નીલકંઠનો જન્મ અમદાવાદ ખાતે થયો હતો. તેમની વિવિધ કૃતિ જેવી કે ભંદ્રભદ્ર, શોધમાં નવલકથાઓ, રાયનો પર્વત જે નાટક છે, હાસ્ય મંદિર જે નિબંધ છે, કવિતા અને સાહિત્ય 1-4, ધર્મ અને સમાજ 1-2, તો આ બધી કૃતિઓ રમણભાઈ નીલકંઠની છે. મિત્રો, આ વિડીયો જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ નહીં કર્યું તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને મિત્રો, મેં આ યુટ્યુબ ચેનલમાં જેટલા બી વિડીયો બનાવેલા છે એની એક વેબસાઇટ બનાવેલી છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી શોધીને તમે એ લિંક પર ક્લિક કરજો, જેથી તમે જેટલા બી વિડીયો બનાવેલા એના બધા જેટલા બી ટોપિક છે, બધા ટોપિક્સ તમને એ વેબસાઇટ પર મળી જશે. મિત્રો, અહીં કરંટ અફેરનું સિમ્બોલ આવશે, જેના પર ક્લિક કરજો, જેથી તમે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી શકશો. અને બાકીના 3 પ્લેલિસ્ટ અહીં આવશે, તો જે તેના પર ક્લિક કરજો, જેથી તમે આ બધા વિડીયો જોઈ શકો.